है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमारे प्रदेश में भी पिछले 3 से 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में मामूली इजाफा देखा जा रहा है। क्या तीसरी लहर दस्तक दे रही है? इसकी आशंका के बीच किस तरह की तैयारी चल रही है? बंसल न्यूज ने तैयारियों की पड़ताल की है, एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर चर्चा के साथ डर भी है। दूसरी तरह का दंश झेल चुके प्रदेश को तीसरी लहर से बचाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है, तो एक्सपर्ट भी समय समय पर अलर्ट जारी कर आगाह कर रहे हैं। तीसरी लहर पर बंसल न्यूज ने भी पड़ताल की। सरकार की तैयारियों पर और तीसरी लहर की आशंकाओं पर हमने ये पड़ताल की। पहले बात करते हैं सरकार की तैयारियों की। दूसरी लहर का अनुमान लगाने से सरकार चूक गई थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार पूरे प्रदेश के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा रही है। तीसरी लहर का बच्चों पर असर हो सकता है, इस लिहाज से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में बच्चों के लिए 360 ICU बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 50 बिस्तर का बच्चों का ICU तैयार किया जाएगा। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 1000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की भर्ती की जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हर एक स्वास्थ्य व्यवस्था का हम इंडिविजुअल प्लानिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या प्राइवेट हो। जिले में नहीं बल्कि उस जिले के अंदर जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी अपनी अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बना रहे हैं। बिस्तरों को एनहेंस कर रहे हैं, ICU बिस्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसी संभावना है कि बच्चों को ये तीसरी लहर में प्रकोप आ सकता है, तो पीकू जो पीडियाट्रिक के ICU उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मैन पावर को हम समुचित ट्रेनिंग दे सकें, दवाइयों का उचित व्यवस्था हो सके, एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था हो चुके, और टेस्टिंग पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं जिससे कि तीसरी लहर पर हम रोकथाम कर सकें। ये तो हुई सरकार की तैयारियों की बात। अब बात करते हैं तीसरी लहर से जुड़ी आशंकाओं की। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? सवाल नंबर 1, क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी, और यदि आई तो कब तक आ सकती है? यदि हम लोग टीके लगवाएंगे लगातार और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे टीकाकरण प्रोग्राम में, तो हम अपने को और अपने परिवार को बचाने में कामयाब भी होंगे, बीमारी की भयावहता भी नहीं रहेगी और चेन भी ब्रेक होगी। ये डिपेंड करता है हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को किस तरह से तैयार करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि तीसरी लहर आएगी क्या, और तीसरी लहर अगर आएगी तो कब आएगी। सवाल नंबर 2, तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है? पहले जैसे हमने देखा, पहली और दूसरी लहर में आपने चेंज देखा होगा। एक तो वायरस की स्प्रेड होने की क्षमता बढ़ गई थी काफी। एक एक परिवार में 2-2, 3-3 मेंबर, 4 मेंबर परिवार के परिवार आए थे भर्ती होने के लिए या इलाज कराने के लिए। दूसरी बात, मोर्टेलिटी भी काफी हुई, क्योंकि तीसरे चौथे दिन पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो रहे थे, तो उसको विरुलेंस बोलते हैं हम, अपनी मारक क्षमता जो बोलते हैं वायरस की। तो इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जो जेनेटिक्स में चेंज आता है वायरस की, उसकी वजह से। सवाल नंबर 3, बच्चों पर तीसरी लहर का क्या असर होगा? पहले हमने देखा बुजुर्गों में, जब हमने वैक्सीन लगाया तो जो दूसरी लहर आई उसमें यंग एडल्ट जो है हमारे 45 के आसपास की एज के बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि वायरस के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन वो मिली उनको वायरस को ग्रो करने में, ट्रांसमिशन। अभी बच्चों में हमने वैक्सीनेशन नहीं किया है, इसलिए कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि क्योंकि 18 साल से बड़े लोगों को वैक्सीनेशन किया है हमने, तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की तरफ वायरस ट्रांसफर हो जाए। सवाल नंबर 4, डेल्टा प्लस या अन्य वायरस का वेरियंट सक्रिय है क्या? जो वायरस है उसकी प्रकृति बार बार बदलती रहती है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक चीज है जो वायरस के सर्वाइवल में प्रकृति ने उसको वरदान के रूप में दी है। तो जब जब वायरस अपनी प्रकृति बदलता है तो हम उसके बिहेवियर से अभी परिचित नहीं हो पाते हैं। डेल्टा वायरस के बाद और क्या परिवर्तन हो सकते हैं ये भी हम अभी नहीं बोल सकते हैं। तीसरी लहर आए या ना आए, लेकिन हमें और आपको कोविड नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से ये बात साफ हो गई है कि कोरोना का कोई ठोस ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही हमारी सुरक्षा है। सरकार व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन कर रही है, लिहाजा हमें और आपको इसका हिस्सा बनना होगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।